संगमेश्वर में ब्राह्मणवाड़ी या राजवाड़ी, यहाँ पर दो स्पॉट है और दोनों के लिए रास्ता एक ही है। सुंदर घने जंगल से पहुंचकर आप सबसे पहले ये गर्म पानी का कुंड देखेंगे और उसके बाद आप जो देखेंगे वो है सोमेश्वर मंदिर। गर्म पानी का कुंड या हॉट वाटर स्प्रिंग आप लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है, इस बार हम देखेंगे सोमेश्वर मंदिर। स्वागत है आप सबका ट्रैवलिंग इज ऑसम में। तो यहाँ से आने के बाद आप लोगों ने ये जो गर्म कुंड का जगह है ये देखा, और अभी ये यहाँ से हम लोग इधर जाएंगे। ये जो है ये सोमेश्वर मंदिर है, इसके अंदर चलिए चलते हैं। मंदिर का बाहर का दरवाजा किले के दरवाजे से ज्यादा मजबूत है, लेकिन थोड़ा पुराना हो गया है। तो सबसे पहले इस मंदिर का एक बाहरी परिक्रमा कर लेते हैं, ठीक है। जितना शांत वातावरण मंदिर के अंदर था, उतना ही शांत वातावरण बाहर भी है। आसपास पूरा जंगल ही जंगल है। ये एक पुराना दरवाजा था जो बाहर खेत में निकलता था। एक दीप स्तंभ देखा, एक बड़ा सा दीप स्तंभ था। पानी का टंकी देखा, लेकिन पानी नहीं था। और इसके आसपास का परिसर पे पूरे सूखे पत्ते हर जगह फैले हुए हैं। तो सामने वाले दरवाजे से अभी अंदर चलते हैं। यहाँ पे आपको जो प्राचीन ये सब खंबे हैं ना, ये लकड़ी के खंबे हैं, और इसके ऊपर कलाकृतियाँ दिखेगी आपको। इन कलाकृतियों में आपको ज्यादातर रामायण का उल्लेख दिखेगा। कहीं पर सीता हरण हो रहा है, कहीं पर हनुमान जी लंका दहन कर रहे हैं। इस तरह का सब जगह पर जो लकड़ी पर खोद कर काम किया गया है, और बहुत ही बारीकी से काम किया गया है, और ये बहुत पुराने हैं। पर्यटन के नज़र से अगर आप इस मंदिर को देखने जाएंगे तो आपको लगभग 1.5 घंटा आराम से लगेगा। तो प्राचीन जमाने में जैसे ब्लैक स्टोन का एक बेस बनाया है, ये ब्लैक स्टोन है। ब्लैक स्टोन का बेस के ऊपर लकड़ी का खंबे है सब, ठीक है, एकदम पौराणिक जमाने में जैसा होता था। और उसके ऊपर कौले रहते थे, ये देखिए कौले है ऊपर। बहुत सुंदर है, चलिए अंदर चलते हैं। जैसे ही आप मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं, सामने ही नंदी रहते हैं और ऊपर बहुत सारे घंटी। गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है। ये जो आप देख रहे हैं, ये नीचे गर्भगृह है और उसके ऊपर एक और मंदिर है। गर्भगृह में बहुत अंधेरा था, इसलिए कुछ भी शूटिंग नहीं कर पाए। अभी हम लोग इसी मंदिर का एक प्रदक्षिणा लेंगे। जाते वक्त देखते हैं कि वहाँ पे जो खंबे हैं वो भी पुराने जमाने के लकड़ी के खंबे होते हैं, जिस पर चित्रकारी किया होता है। अंदर का वातावरण ठंडा तो होता ही है, लेकिन एक अलग तरीके का सुगंध भी आता है। मंदिर के अंदर के फर्श को गोबर पानी से लेपा गया था, और गोबर पानी का जो लेप था वो काफी ताजा था, सूखा हुआ था लेकिन ताजा था। वो जो सुगंध है शायद इसी का आ रहा था। नंदी के पीछे एक और प्रतीक रखा है, लेकिन समझ नहीं पाए वो किसका प्रतीक है। बाजू में एक दीप स्तंभ था छोटा सा, और सामने एक नारियल रखा हुआ था। गर्भगृह के ऊपर जो मंदिर था वहाँ पे थोड़ा उजाला था, इसके लिए वहाँ क्या हम एक छोटा सा क्लिप ले पाए। यहाँ पर आकर मन शांत हो गया था और दिमाग स्थिर, मानो इंसान का सूझबूझ लौट आया है। नंदी के एक तरफ हमें पाषाण पर बने शिव जी के अलग अलग मूर्तियां नजर आए, जैसे कि त्रिशूल पकड़े, डमरू पकड़े।
दीप स्तंभ जो मंदिर के सामने है वो काफ़ी पुराना था, लेकिन उस पर कोई भी सूखे घास पत्ती हमें नज़र नहीं आए, तो ये बताना मुश्किल है कि ये दीप स्तंभ में अभी भी दिए जलाए जाते हैं या नहीं। इस जगह पर आने के मैं दो वजह बताता हूँ। एक है धार्मिक वजह, अगर आप शिव जी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो कि हम सब करते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा धार्मिक है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। दूसरा है पर्यटन, अगर आप बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं भी है, कई लोग होते हैं जिनको घूमना और नए नए जगह देखना अच्छा लगता है, कोई बुराई नहीं है, तो भी मुझे लगता है आपको यहाँ पर आके एक बार इस जगह को देखना ही चाहिए, बहुत ही अप्रतिम है और अविस्मरणीय है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो राजवाड़ी है, मतलब वो गर्म पानी का कुंड, और ये जो सोमेश्वर का मंदिर है, ये बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुल जगह है। यहाँ पर आइए ज़रूर, ईश्वर के दर पर खड़ा होकर ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सबके जीवन में सुख और समृद्धि अपार बढ़ती रहे। टाटा, टेक केयर, चीरियो, लव यू गाइस एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट डेस्टिनेशन।